अगर आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो या फिर फ्यूचर में अपना खुद का बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बुक्स बताऊंगा जो आपको बिजनेस के सारे फंडामेंटल्स बताएंगी और इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगी, और वो भी बोरिंग मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरीज के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट बुक जो आपको रीड करनी चाहिए वो है 0 to 1 बाय पीटर थील। पीटर थील एक बिलियनर है और बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स इन फेसबुक, ऊबर में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, एंड ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ पेपैल। सो दिस गाय नोज हाउ बिग बिजनेसेस वर्क। सो बेसिकली इस बुक के थ्रू वो आपको बिजनेस के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स बताएंगे जो कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबको पता होने चाहिए और हर कोई गलती करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके एरिया में कोई भी एक साड़ी की शॉप खुल जाती है तो उसको देखकर 5 साड़ी की शॉप्स और खुल जाती है, और वही सबसे बड़ी गलती होती है बिजनेस की कि हम दूसरे को देखकर वही चीज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर उसकी चीज़ चल रही है तो हमारी भी चलेगी। और पीटर थील यहीं पे बताते हैं कि यही फर्क होता है एक नॉर्मल बिजनेस में जो बहुत जल्दी डेड हो जाता है और एक $1 बिलियन बिजनेस में। $1 बिलियन बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए होते। फॉर एग्जांपल, फेसबुक जैसी ऐप पहले कभी नहीं थी, ऊबर जैसी ऐप पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो ये आपको एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के थ्रू आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि आप टेबल पे ऐसी क्या नई चीज ला सकते हो अपने बिजनेस के थ्रू जो कोई और मार्केट में नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, वो साड़ी शॉप के एग्जाम्पल को ही लेता है। अगर किसी ने अपनी साड़ी शॉप खोली है तो क्या आप साइड में एक मेंस वेयर शॉप खोल सकते हो, ट्रेडिशनल मेंस वेयर शॉप? क्योंकि अगर लेडीज आ रही हैं कुछ खरीदने तो उनके साथ लड़के भी आते हैं, एंड ऐसी कपल, ऐसी पेयरिंग साड़ी और मेंस वेयर शॉप की बहुत कम होती है, तो जिस वजह से आप दोनों की शॉप्स को एक यूनिक फैक्टर मिलेगा और लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे कि आप उस साइड जाना है क्योंकि वहां पे मेरे को लड़के के भी कपड़े मिल जाएंगे, लड़की के भी कपड़े मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बेसिक और जेनेरिक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर इसको अगर आप बड़े स्केल पे सोचोगे, अपनी ऐप बनाने का, अपना यूट्यूब चैनल बनाने का, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाने का, तो जितना आप आउटसाइड द बॉक्स सोच पाओगे, जितना आप औरों से अलग सोच पाओगे, उतने आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये बुक आपको इसी चीज में हेल्प करेगी कि आपके बिजनेस आइडिया को आप कैसे अलग बना सकते हो। सेकेंड बुक जो आपको रीड करनी चाहिए वो है कंटेजियस। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत इनोवेटिव बुक है ये। तो इसमें आपको अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताई गई है। तो अगर फर्स्ट बुक ने आपको हेल्प करा वो आइडिया ढूंढने में, उस आइडिया को आपने डेवलप किया, अब उसे मार्केटिंग कैसे करनी है। इस बुक का वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल्स वॉज कि कैसे एक बार के ओनर ने, उसे पता था कि इस एरिया में बहुत सारे बार है तो मैं अपने बार को कैसे यूनिक बनाऊं, उसने अपने बार को एक हिडन बार बना दिया कि किसी को नहीं पता अगर आप रोड पे वॉक कर रहे हो कि वहां पे कोई बार भी है, पर उस बार में आप सिर्फ एक टेलीफोन बूथ के थ्रू जा सकते हो, एक मैजिकल मिस्ट्री मूवी की तरह कि आप टेलीफोन बूथ में गए, आपने फोन उठाया और अचानक से टेलीफोन बूथ के पीछे से एक डोर खुला और आपने बार में एंट्री करी। और इस छोटे से चेंज की वजह से कैसे उसका पूरा मार्केटिंग मॉडल और कैसे उसका पूरा बिजनेस मॉडल बाकी बिजनेसेस से अलग हो जाता है, और उसकी वजह से उसका बार इतने कंपटीशन में भी वन ऑफ द बेस्ट बार्स बन जाता है। और इस बुक में ऑथर साइकोलॉजी में भी जाता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, और वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम पे, क्योंकि वो सबसे रिलायबल, सबसे ट्रस्टवर्दी मार्केटिंग होती है। अगर आपका दोस्त आपको आके कहता है कि यार वहां का खाना बहुत अच्छा है तो आप जाके जरूर ट्राई करते हो क्योंकि आपके दोस्त ने बताया, क्योंकि आपको अपने दोस्त पे ट्रस्ट है। तो ये बुक आपको उस वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के एकदम कोर साइकोलॉजी में लेकर जाएगी और आपको कुछ आइडियाज देगी कैसे आप अपने बिजनेस को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी पॉपुलर कर सकते हो। थर्ड बुक जो आपको रीड करनी चाहिए वो है बिल्ड टू सेल। अब फर्स्ट बुक ने आपको आइडिया ढूंढना सिखा दिया, उस आइडिया को यूनिक बनाना सिखा दिया, सेकंड बुक ने आपको मार्केटिंग करनी सिखा दी, अब आपका बिजनेस थोड़ा थोड़ा रन करना शुरू हो गया है मार्केटिंग और आइडिया की वजह से। अब थर्ड स्टेप आता है कि आपका बिजनेस आपके बिना चल सकता है या नहीं। क्या होता है कि हम जितने भी फैमिली बिजनेसेस देखते हैं, स्पेशली जो शॉप ओनर्स होते हैं, उनके बिजनेसेस फैमिली के बिना चल ही नहीं पाते, किसी ना किसी को बैठना ही पड़ता है शॉप पे। ऐसे बिजनेसेस को हम सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कहते। सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है कि जो आपको रात को अगर आप सो रहे हो तब भी वो आपको पैसे कमा कर दे, एक फुल्ली ऑटोमेटेड बिजनेस। और इस बुक में ये बुक खुद एक पूरी स्टोरी है कैसे कि एक डिज़ाइनर अपने पूरे बिजनेस को स्पेसिफिक मार्केटिंग, स्पेसिफिक डिज़ाइन के थ्रू और एक मेंटोर के थ्रू पूरा ऑटोमेट करता है। और जो इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स है वो आप किसी भी बिजनेस में लगा सकते हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया का बिजनेस है, अमेज़ॉन का बिजनेस है, या आपका फिजिकल स्टोर है। फोर्थ बुक एक ई बुक है, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। इस बुक के बारे में पहले भी बात करी है, पर अगर इस बुक को अगर आप सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इस बुक में ऑथर ने इतनी सारे बिजनेस प्रिंसिपल बताए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टोरीज के थ्रू। जैसे होंडा का एक स्टोरी बताई थी जिसमें होंडा ने अपनी डर्ट बाइक्स ऐसे ही निकाली थी अमेरिका में जस्ट टू सी क्या होता है, पर
उनका मेन बिजनेस था लग्जरी बाइक्स का, लॉन्ग रूट बाइक्स का, और अचानक से उनकी डर्ट बाइक्स चलने लगी और उनकी लग्जरी बाइक्स फ्लॉप थी वहाँ पे अमेरिका में। तो कैसे उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल पिवट किया और उन डर्ट बाइक्स को बहुत पॉपुलर कर दिया अमेरिका में। आज प्रॉपर स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उन डर्ट बाइक्स के थ्रू। ऐसे ही इसमें और भी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कैसे आपका बिजनेस, ये नहीं कि आपको क्या बेचना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए। तो ये बुक आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज बताएंगी थ्रू डिफरेंट बिजनेस स्टोरीज जो ऑलरेडी चल रहे हैं। फिफ्थ एंड द फाइनल बुक इज शू डॉग बाय फिल नाइट। ही इज द फाउंडर ऑफ नाइकी, जिस कंपनी को आज हम सब जानते हैं। सो बेसिकली इन्होंने इस कंपनी का आइडिया शुरू किया था उस टाइम पे जब एडिडास और प्यूमा पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। तो आप सोच सकते हो इस वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। तो सोचो इस टाइम पे एक सोशल मीडिया बिजनेस का आइडिया सोचना कितना वियर्ड होगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनीज है तो उनसे कम्पीट कैसे करोगे। एंड दिस गाय डिड इट, ही एक्चुअली कम्पीटेड विद द बिगेस्ट जायंट्स। एंड कैसे किया, इतने सिंपल स्टेप से इन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल जब वो जापान जाते हैं, जब उनके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर हम जापान से अमेरिका में कैमराज इंपोर्ट कर सकते हैं तो शूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो वो जापान चले जाते हैं ऐसी ट्रिप में। ही हैज़ नो बिजनेस एक्सपीरियंस एंड उन्होंने कभी कोई कंपनी स्टार्ट नहीं करी। जापान जाके वो एक जापानीज शू कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करते हैं और वो जापानीज शू कंपनी को लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है जो उनसे मिलने आए हैं। और वहीं पर वो अपना कंपनी का नाम सोचता है और बोलता है कि हाँ, मैं ब्लू रिबन एक कंपनी है, उसका सीईओ हूँ और मैं आपके शूज़ को अमेरिका में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो वो जापानीज शू मेकर्स मान जाते हैं, उन्हें वो कुछ बैकग्राउंड चेक वगैरह इतना नहीं करते इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं था, वो मान जाते हैं। तो बेसिकली इस छोटी सी स्टोरी से पता चलता है कि कैसे उसने बोल्ड स्टेप लिया अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाकर। तो वो जो चार बुक्स मैंने आपको इससे पहले बताई है वो आपको सारे प्रिंसिपल्स बताएगी, पर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है रियल लाइफ में बोल्ड होकर, करेज दिखाकर, ये बुक आपको वो दिखाएगी। क्योंकि ये बुक एक बायोग्राफी है जो आपको फेलियर से कैसे लड़ना है, सक्सेस से कैसे हम्बल रहना है और कैसे गिव अप नहीं करना, परसिस्टेंट रहना उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में। तो जितने भी उन बुक्स से चार प्रिंसिपल्स है वो फिल नाइट ने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए और नाइकी जैसी एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी एस्टैब्लिश करी। सो आई होप आपको वो सारी बुक्स इंटरेस्टिंग लगी एंड डेफिनेटली गो एंड गिव दोज बुक्स अ ट्राई। जिस रीडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बुक्स बताई है उसमें रीड करने की कोशिश करना, क्योंकि फिर वो स्टोरी की तरह फ्लो डाउन करेगी एंड यू विल लव द स्टोरी। एंड आई होप दीज बुक्स विल हेल्प यू टू टेक दैट नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरियल स्टेप इन योर लाइफ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी रीडिंग।